जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यार बच्चों बायोलॉजी का हम लोग बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा, जिससे आपका केमिस्ट्री और जो है ना फिजिक्स का मिला था, तो बिल्कुल ही ओरिजिनल आप लोग देख सकते हो। विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। चलिए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव का और इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे। तो 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपको मात्र के लिए 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि स्पंज किस स्तर का जो ना संगठन दर्शाता है। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी नंबर, याद रखेंगे कोशिका स्तर का, पहला का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दो नंबर है कोशिका एवं उत्तक किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त में प्रत्यक्ष रूप से डूबे रहते हैं। तो दो नंबर का ए नंबर होगा, खुले परिसंचरण तंत्र में, ऑप्शन नंबर दो का ए नंबर आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, याद करके जाइए, आपके एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीन नंबर है जिन प्राणियों में कोशिकाएं जो ना दो भ्रूणीय स्तरों में जो ना व्यवस्थित होती है क्या कहलाते हैं। तो तीन नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका द्विकोणिक होगा, द्विकोणी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चार है मध्य त्वचा यानी कि मिजोडम से जो ना आच्छादित शरीर गुहा वाले प्राणी को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल चार का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखेंगे इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पाँच नंबर तो बोला गया जो ना स्पंजोशील यानी कि स्पंज गुहा किस संग क्या मौलिक लक्षण है। तो पाँच का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे ये आपका फोरो जो ना फेरोफेरन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। छः नंबर की पॉलीप एवं जो ना मेडूसा पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा छः नंबर का ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी में नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है सात नंबर विनाश जो ना फ्लावर बास्केट है। तो सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा एक प्राणी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आठ है फीता जो ना कृमि किस संघ का प्रणाली है, तो आठ का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ना चपटे कृमि यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बाद जस्ट हम मैथ का वायर ओरिजिनल पेपर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा प्यारे बच्चों, फिर हिंदी इंग्लिश का भी आएगा। चलिए नौ नंबर की अनुदैर्ध्य तथा जो है ना अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार पेशियाँ पाई जाती हैं, तो नौ नंबर का बी होगा, ये आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से प्रश्न की अड़िया और समिति मौलिक लक्षण है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मोलस का ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 है कि जिन जो ना जिम्नोस्पर्म में बीजांड होते हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अनावृत तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 12 नंबर है कि जिम्नोस्पर्म के जो ना जिम्नोस्पर्म के पर जो ना प्रकरण है, तो यहाँ रखेंगे 12 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से, ये बोला कि शहरी जीनोता में क्या पाया जाता है, तो आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट होगा, बीजांड। क्वेश्चन नंबर 14 है मांस के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था होती है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये आपका युग्मविद होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि मांस में कायिक जनक द्वितीयक प्रथम तंतु डैश डैश के द्वारा पूरा होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे द्विखंडन तथा मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 15 के बाद आप लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है टेरिडोफाइट का उदाहरण है, तो याद रखेंगे 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आपका सेलाजी नोरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 संतति एकांतरण की परिघटना मौलिक गुण है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे पादप का प्लांट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो अभी कंटिन्यू आंसर बता रहा हूँ मैं, पूरा बताऊंगा उससे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। प्यारे साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आपके सामने अभी इंटरफेस पेन होगा, आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन देखने को मिल रहा है, क्लास 11th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से ऊपर
कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने जो है ना लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करके आप पेज को यहाँ पर आकर के एक बार रिफ्रेश करिएगा। जब जब आएगा तो रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर किया, यहाँ पर जो है ना ये ऑब्जेक्टिव का रहा और यहाँ सब्जेक्ट पर दिख जाएगा, तो ये पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 18 नंबर को देखिएगा, जो ना कैपिस्ड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो 18 नंबर का राइट आंसर डी होगा, पिसानु में क्वेश्चन आंसर डी होगा। 19 की दो चल अथवा अचल युग्मों प्रोटोप्लाज्मा का जो ना संलयन होना कहलाता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे आप लोग इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 20 नंबर की परजीवी का उदाहरण है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे फीता क्रीमी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बोला गया कि निम्न में से किसे जो ना थैली पंजाई भी कहते हैं, तो 23 का डी नंबर होगा, जंतु जगत ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 है कि पृष्ठ रज्जु कहाँ से उत्पन्न होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अंता त्वचा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि कोमल शरीर वाले प्राणी किस संघ का सदस्य है, तो 23 का डी हो जाएगा, मोलस्का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया, वेलेनोगोलस किस संघ का उदाहरण है, तो 24 का डी नंबर होगा, ये आपका हेमी कार्डेंटा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है कि साइकोलाइड तथा टीनोयड सल्क पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोड्री स्थलीज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है 26 नंबर की शरीर सिरिप का उदाहरण है, तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 से मूसला जो ना मूसला मूलतंत्र पाया जाता है, तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वीजा जो ना वीजान देख लीजिएगा, बीजान प्राणी पौधों में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, रेशेदार मूलतंत्र पाया जाता है, तो रेशेदार मूलतंत्र जो पाया जाता है आप याद कर लीजिएगा, रेशेदार मूलतंत्र पाया जाता है किसमें, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एक जीव पत्री पौधों में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 29 नंबर को देख लीजिएगा, श्वसन मूल पाया जाता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखेंगे इनमें से सभी में, ठीक है, बरगद में भी और सरसों में, साथ में जो ना राइजोफोरा में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि गांठ तथा पोरियाँ पाई जाती हैं, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया, टोटल करेक्ट आंसर ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, आप पूरा याद करके जाओ या फिर लिख के जाओ, जो विषय भी हो कर लेना। सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आंसर जैसे भी गूगल में मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके, तो वहीं पर सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर दिख जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करो, वीडियो भी डाल लेंगे, और उसके बाद मैट का वीडियो तैयार है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।